हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्ल इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग स्किल्स। आप किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग स्किल्स को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रोग्रामिंग को सीख सकते हो। जैसे कि आप किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग सीखनी हो, आप जो हमारा चैनल है वहाँ से अभी हम आपको पाइथन के रिलेटेड आपको जानकारी दे रहे हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स। हमारा जो वीडियो है उसमें हम आपको पाइथन के रिलेटेड एरे का एक न्यू फंक्शन है उसको यूज़ करना बताने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पाइथन के रिलेटेड आपको काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो बता रखे हुए हैं। हमारा जो आज का फंक्शन है वो है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है कि जैसे कि जॉइन, यानी कि दो डिफरेंट एरे, उन दोनों को एक साथ जॉइन करना। जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एरे को डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा सी, यानी कि एक एरे ले लिया, उसको वैल्यूज दे दी 1, 34, 57 एंड 89। और उसके बाद जॉइन करना मतलब दो डिफरेंट एरे को इकट्ठा करना। तो उसके बाद हमने करा डी, एक और एरे ले लिया, उसको भी वैल्यूज कर दी पास। चाहे आप सेम वैल्यूज देना चाहो सेम भी दे सकते हो, डिफरेंट देना चाहो डिफरेंट भी दे सकते। और उसके बाद दोनों को इकट्ठा करने के लिए तो हमने लिखा c डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड मीन्स हमारा जो फंक्शन है उसका नाम है एक्सटेंड, जो c के साथ d वाले एरे की वैल्यूज को जोड़ देगा। इसका मतलब होता है, एक होता है सोर्स, दूसरा होता है डेस्टिनेशन। d यहाँ पे हमारे लिए डेस्टिनेशन का काम कर रहा है, जो अपनी सभी वैल्यूज को c नाम के एरे को प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपने साथ उन वैल्यूज को जोड़ सके। और वो जो वैल्यूज है वो हमारे c वाले एरे के लास्ट में जाके कंकैटिनेशन होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो एरे है वो प्रॉपरली एक्सटेंड हुआ या नहीं। तो एंटर करके चेक करा, हमारा कोई भी सिंटेक्स मिस्टेक नहीं अवेलेबल। तो अभी अगर चेक करें कि सी एरे के पास दोनों एरे की वैल्यूज जॉइन हुई हैं या नहीं, तो उसके बाद हमारा जो आउटपुट आएगा वो आना चाहिए 134, 67, 89, 45, 78, 56 एंड 78। तो चेक करते हैं हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट है ये। जैसे कि आप देख रहे हो हमारा जो आंसर है 134, 67, 89, 45, 78, 56 और 78। हमारा जो वर्डिंग था उसी के हिसाब से दोनों एरेज को उसने ज्वाइन करके प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही आप छोटे छोटे प्रोग्रामिंग लॉजिक्स और एक्सटेंशन और फंक्शन को यूज़ करना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ताकि आपको हम एरेज के रिगार्डिंग या किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग हो, पाइथन रिलेटेड कोई भी फंक्शन हो, हम आपको यूज़ करना बताएंगे और सबसे ईजीएस्ट वे में हम आपको उसका यूज़ बताएंगे। और अगर आप उनको मैनुअली सीखना चाहते हैं तो हमारे बटाला इंस्टीट्यूशन में आ सकते हैं, ताकि आप हमारी जो प्रोग्रामिंग है, चाहे जिस तरह की प्रोग्रामिंग हो, लैंग्वेज हो, जैसे आप अगर सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं।